Um, हम uh, बहुत खुश हैं हमारे पास जब भी कोई नई बहन आती है हम खुश हो जाते हैं और um, यह आपसे पूछना था कि हाउ डिड यू गेट टू मी लाइक आपको किसने बताया हाउ डिड यू हियर अबाउट मी किसी ने आपको बताया था आ, आ, न, आ, नहीं मुझे असल में आ, ये यहाँ पे इंटरेस्टेड थी मैं क्लासेस लेने में उर्दू में तो फिर मुझे उन्होंने गाइड किया था ये जो हमारी मस्जिद है उमर फारूक गाइड किया था? फ्राइडे um, को, को कोई बैठते हैं पे शायद उन्होंने बताया मुझे कि यू कैन ईमेल हर जी ओके okay, ओके okay. तो आपको याद है पहले हमारे पास जो थी वो उनका नाम क्या था वो भी इसी के थ्रू इस तरह आई थी आई उसी पे गई और उन्होंने कहा मुझे क्लासेस चाहिए लेकिन मुझे उर्दू की चाहिए जी। बहुत खुशी होती है और मुझे ये पता चला कि आपने जो वहाँ की जो कुरान क्लास है उन लोगों से भी आपने पूछा कुरान क्लास वालों से भी पूछा सिस्टर मरियम का मुझे आया कि ईमेल आई कि मुझसे कोई आपका नंबर मांग रहा था उनका नाम ये था मैंने उनको आपका नंबर नहीं दिया सो ये मुझे अफसोस होता है जब कोई नंबर नहीं देता है मैंने हर जगह पे ऐलान किया हुआ है कि जब भी, भी किसी को चाहिए मैं किसी से कोई मैं ना कोई सेलिब्रिटी हूँ और ना कोई मेरा फॉर्मल वो है और जो मुझसे अप्रोच करना चाहे हर एक को नंबर दे दिया करें तो नहीं दिया उन्होंने फिर मुझे शेख मुस्तफ़ा ने परसों कल बताया कि उनको भी ईमेल आई थी और उनको भी कोई आसिया थी और उन्होंने पूछा तो मुझे बहुत खुशी भी होती है दुख भी होता है कि आप यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस और खुशी भी होती है कि चले आपने कोशिश की आपको जितने मराहल बीच में और जितने भी आपने क्रॉस की और जितनी आपको ढूंढने में आपकी जो एफर्ट थी उसका भी अल्लाह आपको अजर देगा इनशाला तो क्लास ये हमारी क्लास उर्दू इंग्लिश मिक्स है अच्छा दोनों चीजें तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दी थी कि आप एक दो क्लासेस देख लें तो आपको समझ आ जाए यू बी इंटरेस्टेड और नॉट क्योंकि उर्दू इंग्लिश मिक्स है ना? दोनों बाज लोग कहते हैं सिर्फ इंग्लिश और बाज़ कहते हैं उर्दू इंग्लिश में एक दफा खत्म करा दिया था यही आई पे तो मैंने कहा अभी मुझे उर्दू वाले लोग कह रहे हैं तो मैं उर्दू में कराऊंगी और फिर मैंने कहा इंग्लिश वाले कहते हैं हमसे उर्दू में अब बांग्लादेशी भी हैं उसमें इंडियंस भी हैं उन लोगों को उर्दू में नहीं लिखना आता है मुश्किल हो जाती है तो फिर uh, मैंने कहा ठीक है और दो इंग्लिश मिक्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन अपने माइक्स बंद कर लीजिए प्लीज um, आया नंबर लास्ट टाइम हमने क्या किया था आया नंबर 76 तक किया था सूरह आले इमरान का तो इंशाल्लाह टुडे वी विल स्टार्ट विद आय नंबर 77 औज बिललाहि मिनश शैतानीर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اور <applause> سے سنیں ایک ایک لفظ کو اور آپ کو آپ کہیں گے ہر, ہر آیت پر یہی کہتی ہیں لیکن کیا کروں یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور غور سے سننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں लेकिन ये बहुत ही डरावनी आयत है बहुत डरावनी आयत है उन लोगों के लिए जो अपने ए, ए, दो पैमान को तोड़ देते हैं इन लजीना इन डीट इन नीन्स इन डीट अल लजीना दोसू यश तरुना यश तरुना पहले ये लफ्स पढ़ चुके हैं दो दफ़ा शायद पढ़ चुके हैं या एक दफ़ा पढ़ चुके हैं यश तरूना रूट लेटर्स है शीन रा या शीन रा या इश्तरा यशतरी इश्तरा उन, इश्तरा यशतरी इश्तरा उन, कौन सा फॉर्म है करना, एक्सचेंज करना ट्रेड करना यानी इसमें बेचना भी आता है और खरीदना भी आता है दोनों चीजें आती हैं अब यहाँ कौन सा यूज हो रहा है वो आप देख लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा इन लजीना यश तरुना इन डीट दोल या एक्सचेंज भी कह सकते हैं बेशक जो लोग बेचते हैं या जो लोग एक्सचेंज करते हैं तब्दील करते हैं बी अह दिल्लाही व ऐमान बी अह यानी अल्लाह का अहद द कोवेनेंट ऑफ अल्लाह द प्लेज ऑफ अल्लाह द ओथ दे टुक विद अल्लाह द प्रोमिस दे गेव टू अल्लाह ठीक है ना यानी वो अहद जो उन्होंने अल्लाह के साथ किया और व ऐमान ऐमान उसका मतलब कसम है ठीक है जैसे किसी के साथ कोई कसम करते हैं कोई कमिट करते हैं कि जरूरी नहीं कि आप लफ्ज़ यू करके मैं कसम खाती हूँ मैं ये करूंगी बस आपने किसी के साथ कोई अहद किया कि ठीक है मैं इस बजे पहुंच जाऊंगी हम ये कर लेंगे आप मुझे मेरे हवाले ये कर ले मैं कर लूंगी सो इट्स जस्ट लाइक अ आपकी कमिटमेंट है आपकी अग्रीमेंट है तो अल्लाह ताली कह रहे हैं कि बेशक जो लोग बेच देते हैं अपने अहद को अल्लाह के साथ किया हुआ और अपने अहमानों को अपनी कस्मों को यानी द हुल ऑफ अल्लाह एंड देयर ओथ्स एंड एं कमिटमेंट समन एंड कलीला समन का मतलब होता है कि भाव उसकी कीमत उसकी कीमत और कलीला का मतलब आप सबको मालूम है स्मॉल और ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिन्होंने अल्लाह की आयतों को बेचा थोड़ी कीमत पे हम बकर में भी पढ़ चुके हैं क़लीला या फॉर लिटल यानी थोड़ी कीमत में बहुत मामूली कीमत में वो अपने तोड़ देते हैं या अपनी कस्मों को तोड़ देते हैं उसके बारे में उला दोस्त लाख

अब ये देखें जो मैं कहती हूँ ना डर के आखरत में कोई शेर नहीं है लेकिन ये सबसे डरावना है वला युकल्लिमुल्लाहु एंड नॉट विल अल्लाह स्पीक टू देम वला युकल्लिमुल्लाहु वला युकल्लिमहुम अल्लाह एंड नॉट विल स्पीक टू देम अल्लाह और नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह कल्लम तकलीमन कौन सा है? टू कलमा तकलीमन किसी से कलाम करना किसी से बात करना अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा कलाम नहीं करेगा आखरत की बात हो रही है एंड नॉट ही विल लुक एट देम और नहीं वो देखेगा उनकी तरफ देखेगा भी नहीं

ओके okay. वलहुम आज़ाबुन अलीम वलहुम एंड फॉर देम आज़ाबुन अलीम इज अ पनिशमेंट पेनफुल और उनके लिए एक आजाब है दर्दनाक दुख देने वाला अलीम अलम से निकला ना अलम यानी पेन तो उनको उनके लिए एक दर्द देने वाला दुखने वाला आजाब है दर्दनाक आजाब है आते हैं इसकी तफस पर। रिमेंबर हमने लास्ट आया कहां पर खत्म की थी लास्ट आया आया नंबर सेवेंटी सिक्स में हमने दो चीजें लास्ट चीजें पढ़ी थी कि अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है टू काइंड ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को पसंद करता है लेकिन लास्ट आया में जिनका जिक्र था दोफिल दो फुलफिल दर अग्रीमेंट एंड कमिट्मेंट जो अपने अहद को पूरा करते हैं एक अल्लाह उनको पसंद करता है और मैंने ये भी आपको याद है बता दिया था कि वो अहद नहीं जिसमें किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को तकलीफ पहुंचे या कोई हराम चीज के लिए अहद की जो गलत चीज के लिए उसको तोड़ना पड़ता है जब उसको तोड़ते हैं उसका गफारा देना पड़ता है यहां पर बात हो रही है जो लोग अपने सही अहद को अपनी कमिटमेंट्स को कायम रखते हैं दो फुलफिल दर प्लेचेस और नंबर टू उसके साथ ही अटैच था एंड दो जो आर यानी जो अल्लाह को हैं जो अल्लाह से खौफ खाते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए और अपने आप को बचा के रखते हैं अल्लाह की नाराजगी से इन दिस आया आया नंबर 77 उसी की कंटिन्यूशन है अल्लाह ताला में बता रहे हैं जैसे मैंने आपको कहा बहुत फ्राइटनिंग है कि अगर कोई अपने अहदों को ना पूरा करे और वो अपने अहद को बेच दे अपनी कमिटमेंट्स को बेच दें ओनली फॉर अ स्मॉल प्राइस

ट्रेड कर दिया बेच दिया तब्दील कर लिया इस दुनिया को आखरत यानी आखरत की दुनिया के बदले उन्होंने ये दुनिया को प्रिफर किया दे बॉट द प्रेजेंट लाइफ उन्होंने खरीद लिया इस दुनिया को इन एक्सचेंज फॉर दी आखरा अब हमें दोनों चीज़ें भी मिल सकती हैं और अब आतीना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरती हसना लेकिन कुछ लोग हैं जो आखिरत को प्रेफर करते हैं दुनिया में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं दुनिया में वो अपने आप को बिल्कुल दरवेश मलंग और हर चीज़ को छोड़ छाड़ के नहीं नहीं मैंने आपको बताया था पहले भी कि बस किसी के घर गए तो मैंने कहा कि आप फ्रूट नहीं कोई फ्रूट लेकर गए या पता नहीं फ्रूट खा रहे तो कहते नहीं नहीं हम तो अंगूर भी नहीं खाएंगे अनार भी नहीं खाएंगे क्यों क्योंकि हमें जन्नत में मिलेगी अल्लाह तला ने नहीं कह दुनिया में हमें एंजॉय करने के लिए भी भेजा है मुख्तलिफ चीजें भेजी आखिर अल्लाह ताला ने अनार और अंगूर के दरख्त और क्यों यहाँ पर हमारे लिए रखे इसीलिए रखे ताकि हम यहाँ भी खाएं हलाल चीज हलाल होना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए कुल्लू अशरफु वला तफु एतदाल से खाना चाहिए दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए तो जो इस दुनिया में अपने आप को कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए सिर्फ आखरत चाहिए वो भी गलत है और जो लोग ये कहते हैं कि हमें इस दुनिया में सब कुछ चाहिए पता नहीं आखरत में क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह से तौबा कर लेंगे तोबा की तोफीक मिलती है कि नहीं मिलती है और अल्लाह तोबा कबूल करता है कि नहीं करता है तो इसलिए अल्लाह ताला साफ साफ बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे अपने अहदों को तोड़ेंगे उनके लिए और अच्छा ये पुराना वाला जो मैं आपको बता रही थी उसमें क्या था के लजीन बिल आखरा उसके साथ लिखा है कि उनका पनिशमेंट लाख उनके लिए कभी भी उनका पनिशमेंट रिड्यूस भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा वलायसरून और नहीं उनकी कोई मदद भी की जाएगी यहाँ पर लफ्स यूज हुए अल्लाह ताला ने ला खलाक तुम यानी खलाक का मतलब खलाक का क्या मतलब है खलक का क्या मतलब है और खलक का क्या मतलब है, मतलब है? देखें खलक का मतलब है जो चीज़ क्रिएट की गई खला का उसने क्रिएट किया और खलक क्या चीज है जो क्रिएशन है और वो जो क्रिएशन है उसमें खलाक क्या चीज़ है का कसी है जो सबसे छोटी चीज जो क्रिएट हो सकती है खलाक सबसे छोटी चीज कैन बी क्रिएटेड स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन बी क्रिएटेड यानी लाख उनके लिए कितनी जर्रा बराबरी छोटी चीज भी आखरत में नहीं होगी कितनी बड़ी बात है हमारे जो अच्छे है वो भी खत्म हो जाएंगे सो एक्चुअली क्या मतलब नथिंग इन आखिरत नथिंग छोटी से छोटी जो क्रिएटेड चीज है उससे वो भी नहीं होगा उनके लिए तो क्या उनके पास क्यों अल्लाह ऐसे कह रहे हैं कि दे, दे है आखिरा आंसर इसका क्या है जवाब इसका ही है, because उन्होंने ये प्रिफर किया उन्होंने तरजीह दी कि वो अपनी कस्मों को तोड़ दें अपनी प्लेजेस को तोड़ दें इन एक्सचेंज फॉर समथिंग जो इस दुनिया में की बेनिफिट है दुनिया में बेनिफिट हासिल करना मना नहीं है लेकिन वो चीज जो कि अपने कस्मों को तोड़ के आप इस दुनिया में हासिल कर रहे हैं इस टेम्पररी लाइफ में इस शॉर्ट लिफ्ट दुनिया में इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लव्ज यूज करें रहे हैं समन खलीदा यानि बहुत ही छोटी प्राइस पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अगर वो इस प्रॉमिस को कायम रखते तो उनको आखरत में क्या मिलता ये छोटी सी प्लेजर नहीं मिलती बेस्ट चीज मिलती और एवर लास्टिंग रिवॉर्ड मिलता तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए बहुत जरूरी है शायद पहले भी मैं बचा बता चुकी हूँ कि जब हम किसी से ओथ करते हैं कि हम ओथ देते हैं अपना अपना प्लेज करते हैं किसी के लिए हम कसम खाते हैं कोई अग्रीमेंट कोई कमिटमेंट करते हैं तो ये उस बंदे के साथ तो हम कर रहे हैं प्लेज तो हम किसी और के साथ कर रहे हैं लेकिन ये रिलेशनशिप किसकी बन जाती है बिटवीन अस एंड अल्लाह बिटवीन अस एंड अल्लाह क्योंकि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के किसी को के कि साथ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट परपज एनी कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी हम कुछ भी कहते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम कह देते हैं कि हम चार बजे मिलेंगे मैं चार बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी उसके बाद मैं उसमें डिले करती रहती हूँ उसका टाइम ज़ाया होता है मेरा टाइम ज़ाया होता है मैं उसको तंग कर रही होती हूँ वो परेशान हो रही होती है और फिर कितनी चीज़ें उसकी तो मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने चार बजे पहुँचना है अगर मैं चार बजे नहीं पहुँच सकती तो मुझे उनको आजकल तो बहुत आसान है टेक्स्ट कर दो टेक्स कर दो कि प्लीज मैं लेट हूँ इस इट ओके अगर मैं लेट हो जाऊँ तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो हमारी जो भी कमिटमेंट होती है अल्लाह के सामने होती है मेरी और आपकी नहीं होती और इसके साथ हम इंशाला भी लगा देते हैं मीनिंग हो या नहीं हम इन लगा देते हैं वो और उससे गलत बात है तो एज ए पनिशमेंट के हमने अपनी गवर्नेंट को डिनाई किया सिर्फ सिर्फ लोगों के साथ नहीं अल्लाह के साथ भी और उस ये जो हम प्लेज ये जो प्लेज करते हैं कि जो जो जितने भी रसूल आए जितने भी पैगंबर आए उन्होंने भी प्लेज किया कि वो हम आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे रसूलों ने अपना पूरा काम किया लेकिन हम अगर वो नहीं कर रहे हैं रसूलों के मिशन रसूलों के मिशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उनके लिए केयर भी नहीं करेंगे इमेजिन करें ऑन द डे ऑफ जजमेंट वेन वी नीड हिम द मोस्ट वेन वी नीड हिम द मोस्ट इस वक्त तो हमें पता नहीं चलता कि हम नीड कर रहे हैं इस वक्त हम समझते हैं हमें सब कुछ आता है हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला विल निगलेक्ट अस एंड नॉट केयर फॉर एस द लीस्ट जब हमें मोस्ट जरूरत है उनकी तो वो लीस्ट भी हमारी केयर नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला ये कहते हैं वाला यू कल अल्लाह से उनसे बात भी नहीं करेगा वाला यंगल्किया और अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं जब बात नहीं करेगा जब देखेगा नहीं तो फिर आगे वाला यू सक विल नॉट प्योरीफाइड उनको पाक भी नहीं करेगा और फिर उनके लिए क्या है बलाउ अलीम, उनके लिए दर्दनाक पनिशमेंट है अच्छा अलीम का ये अलीम नहीं है अलीम है ठीक है ना अलीम का क्या है दर्द देने वाला जैसे मैंने बताया अब स्कॉलर्स ये बताते हैं कि मुफसरीन कहते हैं एक तो होता है आजाबल अलीम एक तो होता है आजाबल अजीम अजीम को हम बहुत बड़ा समझते हैं बिकॉज इट इज बड़ा बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए लेकिन आप ये सोचें कि बड़ा अजाब एक साथ भी आ सकता है देर के लिए भी आ सकता है खत्म भी हो सकता है कुछ भी है लेकिन अगर हम कहते हैं अजाब, अजाब उन अलीम का मतलब है वो आपको दुख पहुंचाता रहेगा आपको दर्द देता रहेगा तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बचाए हमें उन लोगों में से बना बनाए कि हम अपनी प्रामिसज और अपनी अग्री, अग्रीमेंट्स पे कायम रहें और अल्लाह ताला उन लोगों में से बचाए जिनको अल्लाह ताला आखरत में केयर भी नहीं करेंगे निगलेक्ट करेंगे और अल्लाह ताला हमें हर किस्म की अपनी पनिशमेंट से आज़ाम अजीम से भी अलीम से भी हर पनिशमेंट से दुनिया में भी बचा के रखे और आखिरत में भी बचा के रखे आते हैं आया नंबर सेवेंटी एट

फरीकन श्योरली दर इज अ ग्रुप दर इज अ पार्टी यानी श्योरली दो दफा इन न भी है और लफ अकन इज अ ग्रुप इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आपको याद है किन लोगों की बात चल रही थी बात चल रही थी अहले किताब की अल्लाह ताला उनके बारे में भी कह रहे हैं हमने पहले भी पढ़ा के कि अहले किताब में से और अभी भी अहले किताब की बात हो रही है इन निन हम और इन डीट अमंग इस अ ग्रुप और बेशक उन में यकीन एक ग्रोह है एक पार्टी है एक जमात है यल वो ना अलसना तुम बिल किताब यल वोना ये लफ्ज या पहले पढ़ चुके हैं लाम वाव या हमने पढ़ा था यल वोना वो अपनी ट्विस्ट करते हैं टंग्स को यल सेना था हम अपनी जुबानों को अपनी जुबानों को वो ट्विस्ट करते हैं वो अपनी जुबानों को मोड़ते मरोड़ते हैं मरोड़ते मोड़ तोड़ करते हैं बिल किताब यानी किताब किताब पढ़ते वक्त या किताब सुनाते वक्त ट्विस्ट द टंग्स इन द बुक यानी वाइल रिसाइटिंग द बुक वो अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं किताब पढ़ने के साथ यानी किताब पढ़ने के वक्त, किताब सो दैट तह सबूह यू मे थिंक हु इट so इज मतलब so मिनल किताब फ्रॉम द बुक सो दैट यू मे थिंक ली मतलब सो दैट तह सबू यू मे थिंक हु इट किताबी फ्रॉम द बुक और उर्दू में ताकि आप गुमान करें ली का मतलब है ताकि और तह सबूहु आप गुमान करें ली का मतलब है ताकि तह सबूह का मतलब है आप गुमान करें हो यानी उसको आप उसको गुमान करें कि वो मिनल किताब किताब में से है वह माँ हुआ मिनल किताब माँ का मतलब यहाँ पर एंड वाइल इट वह माँ हुआ मिनल किताब वाइल इट इज नॉट फ्राम द बुक वाइल व है वाइल्ड या बट माँ मतलब नहीं है यहाँ पर मा नाफिया नहीं है हुआ वो मिनल किताब वाइल या बट इट इज नॉट फ्रॉम द बुक हालांकि जबकि वो नहीं है किताब में से आ गया वाइल या बट जो आपको पसंद है लिख लें इट इज नॉट फ्रॉम द बुक यानी वो इस तरह आपको गुमान देते हैं कि जैसी इसी किताब में से है वाइल्ड इट इज नॉट फ्रॉम द बुक हालांकि वो नहीं है किताब में से वक़ुलूना हुआ मिन इंद एंड से और वो कहते हैं हुआ मिन इंद इट इज फ्रॉम अल्लाह और वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है अल्लाह के पास से है व मा हुआ मिन इंद कह रहे हैं व मा हुआ वाइल इट इज नॉट फ्रॉम अल्लाह पहले किताब का बताते हैं कि किताब में से वो ये प्रिटेंड करते हैं कि किताब में तो फिर कहते हैं फिर ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह हमें साफ साफ बता रहा है कि नहीं दिस इज नॉट फ्रॉम अल्लाह हालांकि या जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है वहीज़िम और वो कहते हैं या वो बोलते हैं अलाब अल्लाह के बारे में झूठ अल्लाह वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं एंड दे से अपॉन अल्लाह लाइज

अभी देखना देखा था आपने की एक पार्टी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं और वो इस तरह पर करते हैं जैसे ही इस किताब में से हालांकि वो किताब में से नहीं होता और वो अल्लाह की तरफ झूठ गढ़ते हैं पार्टी ऑफ है एक फरीक उसमें से कौन है उसके बारे में हमें हमारे मुबस्टर्स मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि ये भी अहल किताब के बारे में एहले किताब के जो आम लोग नहीं जो एहले किताब के स्कॉलर्स हैं जो उनके जो रिलीजियस डॉक्टर्स हैं या उनके बारे में है क्योंकि वो जो स्क्रिप्चर्स उनके पास थे उस वक्त जो उनके पास था तो और जबूर और इंजील और ये सब जो थी उसमें उन्होंने क्या किया वो उसको पढ़ते थे और वो उसको डिस्टोर्ट करते थे अपनी अपनी जुबान से उसको मरोड़ तड़ोड़ के उसका मतलब चेंज कर देते थे और कुरान को भी फिर इसी तरह किया उन्होंने अभी तक भी कर रहे हैं कुरान की चीजों को निकाल के उसको डिस्टॉर्ट करते हैं तो किस तरह से वो डिस्टॉर्ट करते थे देखते हैं तीन तरीके बेसिकली होते थे एक तो ये होता था कि अल्लाह के वर्ड्स को ही चेंज कर दो अपनी त, अपनी जुबानों से उस वर्ड को ही गलत पढ़ लो दूसरा ये होता था कि उसको वो अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह पर डाल दो उससे भी मतलब चेंज हो जाता है और किसी ने उनकी जो मीनिंग थी उनका जो तर्जुमा था उनका जो ट्रांसलेशन था उसी उनके जो मानी थी उसको भी बदल के और कुछ और माने दे दिए अपनी तरफ से तावील कर दी और फिर वो ऐसा प्रिटेन करते थे कि ये अल्लाह की किताब में ऐसा ही है लेकिन अल्लाह हमको क्लियरली बता रहा है कि वो उसकी तरफ से नहीं व माँ मिनिन दिल्ला और फिर अल्लाह ताला हमको ये भी बता रहे हैं वहीकुल ना अल का वो अल्लाह के आगे झूठ बोल रहे हैं अल्लाह के मुतालिक झूठ बोल रहे हैं वह या नमुन जबकि वो जानते थे कि उन्होंने ये सारा झूठ गड़ा हुआ है तो मैं आपको जो बता रही थी कि हमने सूरह बकरा में इस किस्म की एक आयत पढ़ी थी वो थी आया नंबर टू सूरह नंबर टू आया नंबर सेवेंटी फ़ाइव बकरा में और हमने ये पढ़ा कि, मिन, मिन था कि वक़द का न फ़रीक मिन हम यस नाऊना कलाम अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर क्या था यु मिन रफ़ू मा अक़लू इसमें लफ्ज़ था यु हूँ बाद बा, अलूम जान बूझ के वो क्या करते थे वो योहर रिफूना करते थे वो डिस्टॉर्ट करते थे उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह डाल करते थे उसको तब्दील करते थे योहर रिफूना यहाँ पर क्या है यहाँ वो जुबान से उसको तड़ोड़ मड़ोड़ कर देते थे ये भी हमने पढ़ा था पहले याद है हमने पढ़ा था कि किस तरह वो लोग रायना के बदले कहते थे रायना नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलो कहते रायना के बदले कहते रायना जिसका गलत मतलब होता था और वो कहते थे हित के बदले कहते थे हिम ततुन हित के बदले हिम याद ये सब सुरह बकरा में आया था और औस, ये भी आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब नबी को सलाम करते थे तो ऑफ़ वुड से अपॉन यू तो थोड़े देर से पहले हमने ये भी पढ़ा था किस तरह उन्होंने मतलब तब्दील कर दिया किस तरह उन्होंने ईसा सलाम की पैदाइश को आ, किस तरह मुतनाजे बना दिया किस तरह उसको एक दूसरा रंग दे दिया और ये कि ईसा सलाम को ये कहने के बदले कि ये नबी ये अल्लाह के स्लेव है एक स्लेव है और ह्यूमन बींग है ये सब तो अल्लाह ताला ने तहाँ पर क्लियर कर दिया कि वो जो इस किस्म के हम पढ़ चुके हैं अभी दो तीन हफ्ते पहले या चार हफ्ते पहले किस तरह अल्लाह तला ने क्लियर कर दिया कि सलाम उनके स्लेव और ह्यूमन बींग है और इसी तरह अल्लाह ये भी नेगेट कर देते हैं जो लोग ईसा सलाम को कहते हैं कि ये हमारे आ, या तो या तो एक ये हमारे खुदा है लॉर्ड जीसस है नउूज़ुबल या वो कहते हैं सन ऑफ गॉड है अल्लाह का बेटा है या वो कहते हैं वन ऑफ थ्री है ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये सब चीज हमने देखा कि अल्लाह ताला नेगेट कर देते हैं जो कुछ भी आता है और हमने ये भी देखा किस तरह उन्होंने मुसलमानों की जो नई मुस्लिम कम्युनिटी थी मदीना में किस तरह बनी इसराइल ने उनको किस तरह वो जो जूस थे उन्होंने जो मदीना के इर्द गिर्द जूस थे किस तरह उन्होंने उन मुसलमानों को शक और शुभात में डालने की कोशिश की सुबह मुसलमानों जाते थे और रात को वो अपना मतलब उनके जो ट्रिक्स थे वो ख़त्म ही नहीं होते थे और गलत गलत बातें उनको करते थे तो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं ये जो है ये जूस इस तरह क्यों करते हैं जूस एंड क्रिस्चन इस तरह क्यों करते हैं जब वो लोग अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और कोई वर्ड ऐसा उनको नजर आता है कि ये वर्ड जो है ये हमारी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये वर्ड जो है ये हमारी बिलीव्स को नहीं के साथ साथ नहीं जा रहा है तो वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता डिलिब्रेटली क्योंकि अगर वो पता चल जाए लोगों को ये लोग तो अब स्कॉलर्स हैं ना मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे मुफ्त कहते हैं स्पेशली जो उनके जो रेबाइज और उनके प्रीस जो है ये उनके बारे में है कि वो लोग डिलिब्रेटली जो लर्नेड लोग हैं स्कॉलर्स हैं उनके जैसे हम कहते हैं हमारे उलमा उनके भी हैं उनके उलमा जानबूझ के करते थे क्योंकि इस तरह से उनकी अपनी धाक जमी हुई रहे उनका कहना लोग माने और उनसे हटना चाहिए क्योंकि अगर वो सब इस्लाम पे आ जाएंगे तो फिर तो सारा कुछ बदल जाएगा ना इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इस्लाम में भी ये कुछ होता रहता है इस्लाम मुसलमानों में भी ये कुछ होता रहता है इस टाइप की करप्शन जो है इस टाइप का फसाद जो है वो सिर्फ पीपल ऑफ द बुक में नहीं है ये तकरीबन हर रिलीजन में है हर रिलीजन में जो उनके जो बड़े होते हैं ना वो इसी तरह करते हैं ताकि उनको दुनिया की छोटी छोटी चीजें मिल जाए बड़ी चीजों के लिए शोहरत के लिए नाम के लिए फेम है नेम है हर चीज के लिए तो ये जो भी लोग करेंगे वो लोगों की डिजायर्स की को पूरा करने के लिए भी करेंगे तो अल्लाह ताला मुसलमानों को भी वार्न कर रहे हैं हमें इस वक्त वार्न कर रहे हैं कुरान में वार्न कर रहे हैं हमें वार्न कर रहे हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को हमारी जो नबी की उम्मत है कि इस तरह हम इस ट्रैप में ना पड़ जाएं हम इस तरह के ना बन जाएं लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास भी कितने फतवे मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट लोग फतवे दे रहे होते हैं जो अपने आप को स्कॉलर्स कहते हैं हम लोग भी उनको कहते हैं ओ फला शेख और फला आई एम नॉट से शुयु ऐसे होते हैं आप मैं कई दफ़ा आपके सामने क्लियर कर चुकी हूँ कि हमारे पास ओरिजिनल अच्छे सही शयुख है अलहमदुल्ल लेकिन कोई ऐसा भी निकल आता है जिसको हम नहीं सुनते जाहिर है लेकिन कोई आके गलत फतावे दे देता है सिर्फ किस लिए लोगों को खुश करने के लिए कोई उनको टेम्प्रेरी बेनिफिट मिल जाती नेम और फेम मिल जाता है तो चिप पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए और दुनिया की बेनिफिट हासिल करने के लिए वो फतवे दे देते हैं फतवा दे देते हैं ना कि हाँ भाई अगर एक मुसलमान छोटी सी बात है मुसलमान औरत है अगर मुस्लिम से शादी कर सकती है छोटी सी चीज़ मतलब कितनी छोटी सी, सी चीज नहीं है यह है बहुत बड़ी चीज लेकिन ये छोटी सी एग्जाम्पल है मतलब जो हर वक्त होती रहती एग्जाम्पल छोटी है लेकिन ये है तो बहुत बड़ी चीज

यानी कि एक बशर है जिसको अल्लाह ने किताब दी एक ह्यूमन बींग है जिसको अल्लाह ने किताब दी वल हुक्म एंड द कमांड डिसीजन मेकिंग वन नबुआ देखिए हिकमन या हुक्म है अच्छा याद रखें हिकमा होता तो क्या होता है विजडम वो भी आती है लेकिन इसमें इस, इस वक्त क्या है हुक्मा है हुक्मा मींस कमांड या डिसीजन मेकिंग वन नबुआ और नबूत और प्रॉफिट so, जिसके ऊपर अगर ये चीजें हैं कि उसको किताब दी गई है उसको डिसीजन मेकिंग पोजिशन में रखा गया है और उसको नबूत दी गई है सो ही डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफिट किताब फैसला करना और नबूत तीन चीजें उसको दी गई हैं फिर ही सेज टू पीपल यानी फिर वो लोगों से ये कहे कूनो बन ली इबादन यानी कि आप मेरे गुलाम मेरे स्लेव्स ली मेरे लिए आप स्लेव्स बन जाए कूनो बन जाइए इबादन यानी कि आप गुलाम बन जाइए स्लेव्स बन जाइए ली मेरे लिए बिकम माई स्लेव्स आप बन जाए मेरे गुलाम मेरे स्लीव अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ के Allah, other than Allah. ये नहीं हो सकता कि कोई भी आए अब देखिये ना इन्होंने बताया कहते हैं कि ईसा आए और वो हमारे लॉर्ड थे और उन्होंने हमें कहा कि हम हमारी इबादत करो ये हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला कुरान में उसको साफ निगेट करने की कभी भी नहीं हो सकता कि उन्होंने ये कहा और कोई और भी अगर सही मानो में मुसलमान है और सही जो, जो कि प्रॉफिट है अल्लाह के प्रॉफिट ऐसी बात कर सकते हैं कभी भी नहीं कर सकते अल्लाह तो इस वक्त नबूत की बात कर रहे हैं मेरे और आपकी बात नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रॉफिट कोई भी मैसेंजर जो आया वो कह ही नहीं सकता है कि आप अल्लाह को छोड़ के मेरी मेरे स्लेव्स बन जाओ मेरी इबादत करो मे मेरी पूजा करो मेरी बात मानो मुझे सर्व करो मेरी ओबीडियंस करो ओबीडियंस तो हम करते हैं तमाम मैसेंजर्स की हम करते हैं लेकिन अल्लाह समझ के नहीं वाला किन बरदर यानी लेकिन या बल्कि क्नो रब्बानी वो उनको कहते हैं कोनो या कहते थे पैगंबर कोनो आप बन जाए रबानी, रबानी के वो रूट लेटर्स हैं जो रब के हैं रा -बा -बा. लेकिन यहाँ रब नहीं है यहाँ इसका मतलब है देखिए रब की जमा क्या होती है अरबाब रब्बानी क्या क्या मतलब है यानी पायस लर्नेड नॉलेजेबल मैन ऑफ रिलीजन जो कि हमारे जिनको हम कहते हैं ना हमारे उलमा हमारे पाकबाज हमारे अच्छे पायस लोग हु प्रैक्टिस व्हाट दे नो एंड दे प्रीच टू अदर्स यानी वही चीज़ जो वो खुद प्रैक्टिस करते हैं वो दूसरों को भी उस तरह की नॉलेज देते हैं तो ये जो जो पैगंबर आए जितने भी रसूल आए जितने भी नबी आए उन्होंने दूसरों को ये नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करें आप मेरे स्लेब्स बन जाएं उन्होंने ये कहा कि आप रब्बानीन बन जाए आप लर्निड लोग बने लेकिन आप अल्लाह वाले लोग बन जाए पायस लोग बन जाए

आप पढ़ते रहें आप इस किताब को स्टडी करते रहें सीखते रहें तो इसकी वजह से जो आपने सीखा है वो आप अपने ऊपर अमल उसके ऊपर अमल करें और वो दूसरों को भी वही प्रीच करें समझ में आ गई यानी जिस तरह के हमारे उलमा हैं और उनको होना चाहिए आयत एट्टी के साथ कर लेते हैं ये इस इसके साथ कनेक्टेड है इसलिए मैंने आपको के साथ पढ़ लेते हैं वला या ऑर्डर अभी उसी बात होगी कि अगर कोई मैसेंजर है वला या मुरकुम और नहीं वो आपको हुक्म देगा नहीं वो आपसे ये कहेगा एंड नॉट ही कि आप बना लें कि आप पकड़ लें ऐसा कोई भी बंदा जो मैसेंजर अल्लाह का था कोई नबी था अल्लाह का ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपको ये कहें कि आप पकड़ लें किस को अलमला तो वन नबीना अरबाबा अल इका यानी अलमला था यानी आप फरिश्तों को वन नबीन और नबियों को अरबाबा ये रब की जमा है ये भी रा है लेकिन रब की जमा है कि वो कभी भी आपसे नहीं कहगा कि आप फरिश्तों को और नबियों को अपना रब बना ले अपने अरबाब बना ले ठीक है ना अपने अपना खुदा बना ले ये कभी भी नहीं हो सकती ये पॉसिबल नहीं ना अल्लाह ताला ने कह दिया मैं साफ साफ बिल्कुल क्लियरली नेगेट कर दिया कि ये नहीं हो सकता पहले कहा कि वो ये नहीं कह सकता कि आप मेरे मेरे गुलाम बन जाओ मे, मुझे मेरे 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 साथ आप आप मतलब बन जाओ और ये भी नहीं कह सकता कि, कि आप की या की, की, आ, की, को अपना रब मान लें फिर अल्लाह एक सवाल पूछ रहे अया इज बिलकुफ मुस्लिम क्या ये पॉसिबल है मुरुकुम क्या ही वो ऑर्डर करेगा आपको बिलकुफ्र कुर की डिसबिलीफ की क्या वह आपको कुफर का हुक्म देगा बाद इज अंत मुस्लिम After when you have become Muslim, जबकि आप मुसलमान हो चुके हैं जबकि आप ताबे हो चुके हैं जबकि आपने दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर वेन यू हैव बिकम मुस्लिम या इसके बाद जबकि आप मुसलमान हो गए ठीक है आपने तस्लीम कर लिया इस्लाम को दोनों सेवेंटी नाइन सेवनटी एट बेसिकली सेम थिंग है लेकिन लेट्स गो 79 नाइन में अल्लाह तला क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ये कंसीव ही नहीं किया जाता इट इज नॉट कंसीवेबल ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि कोई ह्यूमन बींग जिसको अल्लाह ने रेवोल्यूशन दिया अल्लाह ने किताब दिया अल्लाह ने उसको हुक्म दिया अल्लाह ने उसको प्रॉफिट उठ दिया है अल्लाह ने उसको विजडम भी दिया है इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन विज्म भी है जाहिर है उसके पास तो वो ये कहे किसी को जाके कि मेरे स्लेब बन जाओ मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़ के कभी कोई कह सकता है तमाम प्रॉफिट तमाम 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 को भी मालूम था किसकी तरफ जाना इला उसी की तरफ अपनी तमाम इबादत को अपनी दुआओं को अपनी तमाम अम्म कुर्बानियों को अल्लाह की तरफ ही एड्रेस uh, uh, करना है अपनी तमाम वर्शिप को उन सब को मालूम था कि वो ही एक अल्लाह है जिसके आगे हमने अपने करना है अपने आप को सरेंडर करना है तो इस उनका मैसेज क्या था तमाम पैगंबरों का मैसेज क्या था वर्शिप ओनली वन अल्लाह एंड वर्शिप ओनली द क्रिएटर एंड नॉट द क्रिएशन ये मुझे अच्छा लगता है लोग अपनी गाड़ी पे लगा के uh, स्टिकर फिरते क्रिएटर नॉट द क्रिएशन बहुत प्यारी बात है में हर चीज है कोई चीज भी है कोई इंसान भी है कोई गुजरा हुआ भी है कोई आने वाला भी है कोई फौत हुआ हुआ भी है कोई जिंदा भी है किसी को भी नहीं वर्शिप करना है सिर्फ अल्लाह को सो द प्रोफिट्स ने क्या कहा उन्होंने कहा कनू रब्बानी अपने आप को डिवोटेड स्लेव्स ऑफ अल्लाह बना ले और रब्बानी रब्बानी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये उन जूश स्कॉलर्स को और उन फंक्शनरीज के लिए इट्स इट्स रेफरिंग टू टू देम डिनोटिंग दैट हु वर प्रोवाइड ट्रू रिलीजियस गाइडेंस क्यों ट्रू रिलीजियस गाइडेंस उनका था क्योंकि उनके स्कॉलर्स थे वो लर्निड थे ताकि वो इबादत का तरीका सिखाएं वो रिलीजियस लॉज सिखाएं उनको ये अल्लाह ताला ने लॉज भेजी और वो भी अल्लाह की किताबों में से भेजी उनको उन्होंने खलत मलत कर दिया और उसको मरोड़ तड़ोड़ दिया और लोगों को गलत बातें सिखाने लगे ये किस तरह अचीव हो सकता है चाहे हमारे उलमा हो चाहे उनके उलमा हो बाई वर्च्यू ऑफ अल्लाह बता रहे हैं स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ द बुक इस किताब को जो आप जानते हैं आप इसको टीच कर रहे हैं जिस तरह से आप टीच करते रहे हैं इसको आप जिस तरह आपने सीखा है उनको भी सही चीज सिखाएं और इनको स्टडी करते रहे द मोर यू अंडरस्टैंड योर स्क्रिप्चर द क्लियर इट बिकम्स द इ्लियर एंड ईजियर इट बिकम्स फॉर यू आप देखें इसी अपना कुरान को ले लें आप इनमें से आप लोगों में कुछ लोग हैं जिन्होंने कितनी दफ़ा कुरान की स्टडी की भी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में किया डिफरेंट टीचर्स के साथ किया हुआ है फिर भी आप देखिए एवरी टाइम जब आप पढ़ रहे होते हैं जब आप सुन रहे होते हैं कोई नई चीज़ उसमें आती है किसी चीज़ पे हमने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा वो डिटेल हमको मिल जाता है मैं अपने आप को देखती हूँ कितनी दफ़ा पढ़ा चुकी है एवरी टाइम आई एम स्टडिंग आई एम प्रिपेयरिंग अभी ये जो कोर्स के लिए मैं तैयारी करती हूँ ये सबसे ज्यादा डिफरेंट है सबसे ज़्यादा डिफरेंट है हर दफ़ा मुझे लगता है कि अल्लाह ये चीज़ भी कुरान में पढ़ा पढ़ा के भी ये लगता है कि अभी तक ये चीज़ कुरान में था कभी कभी बिल्कुल हैरत होती है जितना हम पढ़ेंगे जितना हम स्टडी करेंगे उतना हमारे लिए इसको कुरान को अल्लाह के दीन को अंडरस्टैंड करना भी ईजी होगा और हमें पढ़ाना भी आसान हो जाएगा इन फिर आया ए में अल्लाह कहते हैं इसी तरह के, इसी के कोई प्रॉफिट आपको ये नहीं कह सकता कि मलाइका या किसी नबी के स्लेब्स बन जाओ ये तो कॉन्सेप्ट ही टोटली उल्टा है ना बिल्कुल ही बिल्कुल क्योंकि उन्होंने क्या किया लोगों ने क्या किया कि प्रॉफिट को उठा के अल्लाह का दर्जा दे दिया एंजल्स को उठा के बना दिए प्रॉफिट्स को को उठा के लॉर्ड लौड, लॉर्ड लॉर्ड जीसस कर दिया और और मलायकों को कहते हैं ये गोडेसर कभी भी कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं करेगा और फिर अल्लाह तक कह रहे हैं क्या कोई प्रॉफिट ऐसा करेगा क्या वो पता है जब उसको कि आप ईमान ले आए हैं क्या उसके बाद वो आपको कुफर पर डालेगा उससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी प्रॉफिट को आप इतना ऊंचा बना लो कि उसको लॉर्ड बना लो जैसे क्रिश्चियंस बनाते हैं तो क्या हुआ वो कुफर है अल्लाह साफ बता रहे हैं ना कि कोई भी आप अगर आपने उसके उसको, उसको लॉर्ड बना दिया अरबाब बना दिया तो अल्लाह तला कह रहे हैं कि ये इट टेंट अमाउंट्स टू वॉर्ट डिस्बिलीव कुफर क्योंकि जब अल्लाह तॉफिट्स और मैसेंजर्स क्या करने के लिए आए थे ईमान से कुफर में ले जाने के लिए लाए थे या कुफर से ईमान में लाने के लिए आए थे वो हमें गाइडेंस के लिए आए थे या हमें मिस गाइड करने के लिए आए थे कभी भी वो लोग हमें शेयर कुफर की तरफ नहीं बुलाएंगे हमेशा वो हमें ईमान और तोहीद की तरफ बुलाएंगे उन्होंने खुद एग्जाम्पल्स सब तमाम जितने भी रसूल आए जितने भी नबी आए उन्होंने हमारे सामने हमारे सामने नहीं हमारे सामने, सामने एग्जाम्पल्स हैं उनकी यानी हमने देखा नहीं है उनको हमने तो नबी सला को भी नहीं देखा लेकिन हर चीज़ हमें पता है सब डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने अपने लोगों को इंकरेज किया कि वो बिलीफ की तरफ आए डिसबिलीफ की तरफ ना जाए तो जितने भी फॉल्स कॉन्सेप्ट है अल्लाह तब सबको यहाँ पर रिफ्यूट कर रहे हैं तो सबको अल्लाह ताला नेगेट कर रहे हैं और फिर यही जो कॉन्सेप्ट है जब अल्लाह ताला ने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको तमाम नबियों के स्क्रिप्चर्स में भी डाल दिया इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स वो हमें बताएंगे नहीं कि हमारे पास तौरात में क्या है इंजील में क्या है जबूर में क्या लेकिन ये बातें सब में है एक अल्लाह की इबादत करो और उसमें तमाम रसूलों का भी वो है क्या मैसेज है क्या नहीं है बातें वो भी सब लिखी हुई है आया नंबर एटी वन वही अफजल्लाक नबीन लमा आतना وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتينا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ قال أأقررتم وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ And when. And when,

एंड द या हिकमा है देखा हुक्मा नहीं है एंड हिकमा हिकमा यानी विजडम जो मैं आपको किताब और विजडम में से दूं, किताब में से और हिकमत में से आपको दूं, ठीक है ना आपको दे चुका हूं या आपको दूं? सुम्मा जा अकुम रसूल सुम्मा देन जा अकुम आए आपके पास रसूल एक मैसेंजर messenger. तमाम मैसेंजर्स के लिए तमाम नबियों के लिए है देन कम्स टू यू अ मैसेंजर आए आपके पास एक रसूल रसूल सिंगुलर है रसूल नहीं लिखा हुआ है एक रसूल की अब बात हो रही है किसकी नबी की, सलम की। आप कई दफा पढ़ चुके हैं तस्दीक करने वाला जो कन्फर्म करता है लिमा विच मा comes, you, जो तस्दीक करने वाला है उस चीज की जो ऑलरेडी आपके पास है लत्तो मिनुन्ना बिही वलतं सोरुन नहु ला शर्ली अब आप इसको भी गौर से देखें शर्ली तुम मिनुन्ना यू मस्ट बिलीव इन हिम तुम मिनुन्ना यू मस्ट बिलीव इन बिही इन इट इन हिम एंड इट दोनों हो सकता है ठीक है उस रसूल पे आप ईमान लाए आपसे ये, आप ये अल्लाह तला वादा ले रहे हैं अच्छा इसमें दो एम्फेसिस ल लोरली है और आपको पता है नून जो है नून तो सो so, लाम तौकीद भी है लाम ल लाम यानी है ल, तु, म, न, 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 ज, है सेकंड क्या न जब आता है ना एंड में नून अद होता है तो डबल एम्फेसिस है श्योरली यू मस्ट श्योरली बिलीव इन हिम यू मस्ट बिलीव इन हिम दो दफा आ गया ठीक है ना वलतन सोरोना एंड यू मस्ट अगेन ल भी है और नी है नीक है ना बिही था वहां एंड नोरली यू मस्ट श्योरली हेल्प हिम यू मस्ट हेल्प हिम इसमें भी लामत तौकी और नून तौकीद दोनों है देख लें इजी इंग्लिश में किस तरह श्योरली यू मस्ट बिलीव श्योरली यू मस्ट बिलीव इन एंड श्योरली यू मस्ट हेल्प हिम आप जरूर ब ज़रूर उन पर ईमान लाए और जरूर ब ज़रूर उनकी मदद करें ये अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से कहा और फिर कहा कॉल ही सेड अल्लाह ने कहा अकर तुम अकर तुम डू यू ऑल अग्री डू यू ऑल अफर्म ये लफ्ज़ है ठीक है ना अकर कौन सा फॉर्म है फॉर्म फोर जब किसी से अकरार किया लिया जाता है किसी से अग्रीमेंट ली जाती है तो अल्लाह तुछा डू यू ऑल अग्री डू यू ऑल ए फर्म अल्लाह फरमाया क्या आप सब ने इकरार किया उर्दू में लफ्ज अकरार ही है ना अकरारन ये जो मस्तर होता है नॉर्मली उर्दू में हमारा ऑलमोस्ट वही होता है हम उन नहीं कहते हैं बाकी वही होता है तो वस्तुम अलाजालिकुम इसी इस त्री इस के रूट लेटर्स हैं हमजा स्वाद रा व अखज तुम एंड यू टेक ऑन यानी आप इसको लेते हैं इस कंडीशन पे आला जालिकुम इस उसको किस चीज को यानी इस कंडीशन को इस री इस री यानी मेरा मेरे साथ कॉवेनेंट मेरे साथ एक पक्का वादा मेरे साथ एक, एक, एक क्या आप लेते हैं इस कंडीशन पे कंडीशन क्या था आपको याद है कि जब आपके पास नबूत मौजूद है आपके पास हिकमत मौजूद है आपके पास किताब मौजूद है प्रॉफिट से कहा जा रहा है मैसेंजर से कहा जा रहा है जब एक पैगंबर कोई आएगा और वो तस्दीक करेगा आप आप आपकी इन किताबों की तो आपने क्या करना है आप उनके उन पे ईमान लाएंगे और आप उनकी मदद करेंगे और श्योरली श्योरली डबल एम्फेसिस क्या आप इसको कबूल करते हैं और आप सब ने पुकार कर कहा और आप सब ने पकड़ ले लिया आप सब ने पकड़ लिया है आपने कबूल कर लिया है इस पर मेरा अहद आपने पकड़ लिया पूछा तो कलू दे सैद उन्होंने सब ने जवाब दिया ना वी एग्री वी उन्होंने कहा हमने इकरार किया अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि सारे नबी एक साथ कहाँ पर थे सारे नबी एक साथ उस वक्त तो नहीं थे लेकिन सब अपने अपने टाइम में आए ठीक है ना लेकिन अल्लाह ताला बता रहे कि हर नबी से जब वो आया हर नबी से अल्लाह ताला ने ये इकरार लिया ये ये उनसे अहद लिया फश हदू फिर अल्लाह ताला ने कहा काला ही सेड फद यानी फ इशहदू यानी देन बेर अल्लाह ने, अल्ला ने, अल्ला ने फरमाया तो आप सब गवाह रहे व अन माको मिन व वना And I am ma'akum with you मेरा शाहीदीन among those who witness और मैं आपके साथ गवाहों में से हूँ ठीक है ना लेकिन फिर एक एक छोटी सी आयत है 82 इसको भी पढ़ लें फिर अक्टेकर लेते हैं कमान तवल्ला बाद अज़ालिका फ़ुलाएगा हो मुलफासिया बून कमान तवल्ला then whoever तवल्ला who turns away बाद अज़ालिका after that फिर जो कोई फिर जाए उसके बाद जिसने मुंह फेर लिया उसके बाद यानी उन्होंने अपना है तोड़ दिया उसके बाद देन फाउलायका हुफाशून देन दोन दो फास्कून दे आर द रिबेलियस दे आर द डूअर्स कैन दे आर द डिसओबिडिएंट डिस ये तमाम अल्फाज यूज होते हैं फॉर दून वही लोग हैं जो फासिक हैं वही लोग हैं जो नाफरमान है वही लोग हैं जो हद से गुजरने वाला है ट्रांसग्रेसर भी वही होता है दो हद से तजावज करने वाले हैं अब आया नंबर 81 81, और 82 को 80, 81, 82 को इकट्ठे 80, 80 था भी था उसी में 80 हो चुका था हाँ एटी हो चुका था एटी वन और एटी टू दो आयतों को इकट्ठे देख लेते हैं आया एटी वन जो है वो एक लिंक बता रही है जो कि तमाम मैसेज और तमाम मैसेज के दरमियान क्या लिंक था अल्लाह उस लिंक को कह रहे हैं कि ये एक चीज़ में एक लफ्ज में अल्लाह हैं मिसाख था ये वो मिसाक था ये वो कॉविनेट था ये वो प्लेज था जो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से लिया जो तमाम नब्बियों रसूलों से अल्लाह ताला ने लिया और ये एक कॉमन लिंक था उन सब ने क्या किया ये जब मिसाक क्या होता है मिसाक का मतलब ये है एक तो कसम खा रही हूँ ये, ये कुछ कह रही है और दूसरी पार्टी उसको फुल्ली अंडरस्टैंड कर रही है तो दोनों पार्टीज अग्री कर रही है दोनों पार्टीज अग्री कर रही है उसको कहते हैं मिसाक उसको कहते हैं कॉम्बिनेट बहुत सारे कॉमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा पिछली दफा में हमने सुना बकरा में भी पढ़ा था किसी कामिनेंट के बारे में और सबसे बड़ा कामिनेट तो आप सबको पता है कि जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे पैदा होने से पहले तमाम बनी आदम को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद हैं उनको सबको अल्लाह ताला ने जो आखरत तक आएंगे उन सबको अल्लाह ताली ने उनके उनके जो समझे सीड्स हैं लॉइम्स हैं उनको अल्लाह ताली ने इकट्ठे किया अल्लाह ताला, ताला की कोई चीज मुश्किल नहीं है हम कोई पैदा नहीं हुए थे किसी का कुछ नहीं था लेकिन अल्लाह ने उन सबको इकट्ठे किया था आपको पता है ना वो सूर्य आराफ में शायद आएगा सूरह आराफ़ में आएगा कि अल्लाह ताला ने उनसे पूछा अलस् तो भी क्या मैं आपका रब नहीं हूँ और सब ने कहा ऑफ कोर्स आप है हमारा फिर वो इन पढ़ लेंगे सूरह आराफ में अभी हम यहाँ पर आते कि मिसाख ये मिसाक सबसे बड़ा मिसाक था इसके बाद भी मिसाक बहुत सारे हैं तो एक मिसाक यही है कि अगर एक प्रॉफिट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया कि एक मैसेजर अगर आता है तो असम ने वर्ड फॉर वर्ड में ही मैंने बता दिया था कि जो उस मैसेज को जो इनके पास कोई मैसेज है एक प्रॉफिट है उनके पास एक मैसेज है उस मैसेज को कंफर्म करते हुए फिर एक और मैसेंजर आते हैं तो इन्होंने क्या करना है इन्होंने तीन चीज़ें करनी है एक ये करना है कि उनकी उनमें बिलीव करना है टू टू डिक्लेयर हिज बिलीफ इन दिस मैसेंजर एंड टू गिव हम सपोर्ट तनस नल्ला त उसकी मदद करो तो उसमें फिर क्या करना है उसके रिलीजन एंड फॉलो हिस्स रिलीजन उस रिलीजन को फॉलो करके और दूसरों में स्प्रेड भी करना है ये सब चीज़ें आगे और ये मिसाक जो होता है ये एक अग्रीमेंट थी जो कि बाइंडिंग होती है और ईच एंड एवरी प्रॉफिट जो अल्लाह ने भेजी उस पर यह बाइंडिंग थी अल्लाह ने उनसे पूछा डायरेक्टली पूछा कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो आप इसको अक्रर दूँ और उन्होंने सब ने कहा कि यस अक्रा

अल्लाह तो क्यों उनको फासिक कह रहे हैं बिकॉज तमाम प्रॉफिट और तमाम मैसेज जो हैं वो अपने अल्लाह के आगे सबमिट करने में दे आर यूनाइटेड अल्लाह के कमांड में के आगे वो सब यूनाइटेड हैं और सब ने सबमिट किया अगर उन उनमें से एक भी टर्न अवे हो जाता है उसका मतलब ये कि उसने अपना ये पूरे यूनाइटेड एक मिशन है ना तमाम मिशन किसका है तमाम पैगामों का अल्लाह की तरफ से अगर उनमें से एक बंदा जो है वो वायलेट कर देता है अपनी कॉम्विनेंट को तो वो क्या करता है वो कितनी आप सोच लें कि उसने क्या किया उसने अल्लाह के साथ अपने अहद को तोड़ दिया उसने अल्लाह के साथ अपनी जो बंदगी है जिसको हम कहते हैं स्लेव्स हैं अल्लाह ने अपने स्लेव्स को सिलेक्ट किया अल्लाह ने सिलेक्ट किया उसको मैसेंजर बना दिया उस मैसेंजर को दूसरों तक मैसेज भेजने के लिए बनाया तो तमाम क्यों मैसेज भेजा था कि अल्लाह का लॉ अल्लाह का दीन इस्टेब्लिश हो जाए लेकिन अगर उनमें से कोई फिर जाता तो क्या होता फैसल होता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया नन ऑफ द प्रॉफिट किसी के पास भी ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था ना उनको कोई पर्सनल ग्लोरी ग्लोरी चाहिए थी ना उनको फेम चाहिए ना उनको नेम चाहिए था ना उनको कोई बेनिफिट्स जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं अभी पढ़ा था हमने पहली पहली आयत थी शायद आज कि जो लोग अल्लाह के साथ अहद करके या लोगों के साथ अहद करके वो भी अल्लाह के सामने अहद होता है उसको तोड़ देते हैं किस लिए तोड़ते हैं अपने लिए अपने फेम के लिए अपने नेम के लिए एक पर्सनल बेनिफिट के लिए ये तो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स की बात है, वो इंसानों की बात की थीमा की बात की थी कौन से उलमा जो खासकर जो जूस एंड क्रिस्चंस के अहले किताब वाले हैं लेकिन मैंने आपको बताया मुसलमानों में भी है और हर रिलीजन में अब अल्लाह ते कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स थे वो तो सबको मालूम था उनको पता था कि अल्लाह ने उनको चूज किया उनको लोगों से बुलंद किया अपना मैसेज कन्वे करने के लिए और अल्लाह ही है कि वो किस तरह डिटरमिन करता है कि ये मैसेज दूसरों तक किस तरह जाना है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी किस तरह जाना है इसीलिए अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि हर जनरेशन में या हर नेशन में प्रॉफिट्स भेजे अब हम अपनी तरफ से गैस नहीं कर सकते हाँ हाँ फला इस नेशन में फला आदमी था वो बहुत नहीं था तो वो प्रॉफिट होगा वी कैन नॉट जिन प्रॉफिट्स और, और मैसेजर्स के नाम कुरान में है वो तो है ही है इसके अलावा वी कैन नॉट गेस वी कैन हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि हो सकता है लेकिन नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए कितना भी भी नेक हो, भी हो, कुछ आपको पता है कि अल्लाह ही जानता है कि उसके प्रॉफिट कौन थे और ये जो कवनेंट है ये जो अल्लाह के साथ उन्होंने किया है ये क्यों अल्लाह ने करवाया उनसे ताकि वो लोग अल्लाह के मैसेज को विदाउट एनी प्रेजिड उट एनी चेंज विद एनी ऑल्टरेशन विदाउट एनी अः मरोड़ तड़ोड़ के वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा दी और ये जो मैसेज है ये जो फेथ है ये जो दीन इस्लाम है इसी तरह का प्योर रहे जिस तरह अल्लाह इसको प्योर रखना चाहता है अब वो लोग जो है जो कि यही सोचें कि ये सब कुछ हो गया तमाम मैसेंजर्स आए उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया अब आप उन लोगों का एटीट्यूड देखें जो आजकल है या जो हमसे पहले गुजर चुके हैं यानी जो जूस और क्रिस्चियंस हैं उनके अपने नब्बियों ने उनको जो कुछ कहा वो हमारे सामने है कुरान में उन हमारे सामने है और उन्होंने जिस चीज के लिए बुलाया सपोर्ट के लिए भी बिलीव करने के लिए भी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उन्होंने क्या इकरार किया था उन्होंने क्या अपने बंदों को सिखाया कि जब एक मैसेंजर आएगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे ही विल बी द लास्ट मैसेंजर लफ्स लिया कि नहीं लिया लास्ट का मोहम्मद के बदले अहमद का नाम लिया क्योंकि अल्लाह के नबी सल के नामों में अहमद भी है है इज इज ठीक ना दिया दू इस तो ये चीजें तो जब उनको उन्होंने खुद मैसेंजर्स ने बताया सिखाया मूसा सलाम ने भी ईसा सलाम ने भी तो इन लोगों के एटीट्यूड को फिर क्या करें कि जब वो अपने ही मैसेजर्स का इतना सॉलम प्लेज जो है जो उन्होंने कॉमिनेंट अल्लाह के सामने किया था उसको ये लोग तोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या कर रहे हैं ये लोग ट्रांसग्रेस कर रहे हैं ये लोग जो है मूव अवे कर रहे हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ देर ओन प्रॉफिट्स तो यहां जब अल्लाह कह रहे हैं कि जो मू मोड़ लेगा वो इन लोगों के लिए कह रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स जो है उनको मालूम है उन्होंने कभी भी गलत बात नहीं की लेकिन गलत बात कौन कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं जो अब अपने कहते हैं क्लेम करते हैं कि हम हम अपने प्रॉफिट्स को फॉलो कर रहे हैं ये हमारा रिलीजन है ये हमारी क्रिस्टानिटी यह हमारी जोडाइजम है और हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट्स की टीचिंग से डेविएट कर गए हैं वो अपने प्रॉफिट की टीचिंग से हट चुके हैं वो अल्लाह का जो कॉमिनेट था उन प्रॉफिट्स के जो प्रॉफिट्स ने जो अल्लाह के साथ कॉमेन्ट किया था उसको तोड़ रहे हैं उसको वायोलेट कर रहे हैं चले अब आज 83 करना था लेकिन अब इंशाल्लाह ताला थर्सडे को करेंगे सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन व रब्बिल आलमीन प्लीज क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन प्लीज अभी है हमारे पास क्वेश्चन आंसर का टाइम है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम नौरीन कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक्य से एक क्लेरिफिकेशन चाहिए थी बस क्योंकि अभी आपने जो इसमें जब हमने सेवेंटी एट थी मेरा ख्याल है ये सेवेंटी सेवन आयत उसमें जो हमने कस्मों का पढ़ा तो अम... बाकी जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो ठीक है लेकिन जो आपने कहा कि जैसे कॉमन लेवल पे आ, चार बजे का टाइम दिया नहीं आया तो मेरा ख्याल है कि वो ख्यालों में नहीं आता उसको हम एक की बिना पर अगर हम उसको पूरा नहीं करते क्योंकि ए, उसके मुकाबले में जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज अ वेरी बिग थिंग और उसके मुकाबले में एक इंसानी कमजोरी को भी उसी लेवल पे लेके आना आई थिंक दिस इज मैंने नहीं, नहीं कहा उस लेवल पे है नौरीन शायद मेरे कहने में कोई गलती हो गई लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उस लेवल का मैंने कहा हमारे जो आपके पास चार बजे आना है तो यह बहुत बड़ी कमिटमेंट है उसको पूरा करना जरूरी है हम पाकिस्तानी होके हम समझते हैं कि जरूरी नहीं है बहुत जरूरी है जितने भी उलमा से मैंने बात की इफ यू सेव टू बीन टाइम आई दू इनफॉर्म दे

में नहीं आएगा जो यहाँ पे कुरान में बताया गया क्योंकि इट्स अ बिग थिंग दैट्स व्हाट मैं इसके बताया, ए, तो समझने की कोशिश कर रही हूँ नबियों के साथ रखा और जो हमारी आपस में कसम खा के जो कमिटमेंट होती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन एक इंसानी कमजोरी की बिना पर या कुछ और इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो टाइम पे नहीं आती कर सकते हैं कि ठीक है उसने किया आरे, लेकिन वादा तो, तो नहीं होगा ना सॉरी आप रिपीट कर रहे हैं वही बात और मैं भी वही बात रिपीट करूंगी कोई फायदा नहीं होगा इस बहस को आपने अगर ये सुना है ये पढ़ा है और आप इस व्यू को मैं आपका व्यू चेंज करना तो नहीं चाह रही हूँ ना मेरे नजदीक एक मिनट भी अगर हम लेट होते हैं तो दो चार एक मिनट नहीं कह रहे दो चार मिनट का तो हमेशा डिले होता है ट्रैफिक होती कुछ भी होती है वी शुड टेक्स्ट वी शुड लेट द पर्सन नो कि हम देर से आएंगे शादियों की बात तो अलग होती है सभी लेट आ रहे होते हैं लेकिन मैंने अगर कमिट किया कि मैं आऊंगी तो मुझे आना है इंसानी कमजोरी जो है उसको हम इसी पे लाके क्यों छोड़ देते हैं इंसानी कमजोरी सिर्फ दूसरों के साथ कमिट तो फिर कमिट ही ना करें ये कहे कि हाँ मैं कोशिश करूंगी मैं इतना टाइम पे आपको अगर मैं चार साढ़े चार के बीच में पहुंच जाऊंगी ये तरीका होता है इट इज अ कमिटमेंट इट इज एन अग्रीमेंट ये मेरा किसी के साथ एक अग्रीमेंट है मैंने उसको कह दिया कि मैं जाऊंगी तो मेरे नजदीक मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मुझे यही सिखाया सो आई विल स्टिक टू इट आप अगर बार बार भी कहेंगी मैं उस लेवल का नहीं कह रही हूँ दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट ऑफ द प्रोफिट ये प्रॉफिट का तो अभी शुरू हुआ है ना किस्सा उससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्पल दिया था कि हमारे आपस के अग्रीमेंट्स जो होते हैं और उससे पहले जो बनी इसराइल की हमने बात की थी कि उन्होंने अग्रीमेंट्स की उन्होंने तोड़ दी उसके बाद हमने स्कॉलर्स की बात की स्कॉलर्स ने किया क्या जो हमारे उल्टे सीधे फतवे जो लोग दे देते हैं उसके बाद हमारे आए उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स की अग्रीमेंट पे तो इसीलिए ये सब चीजों को अगर आप देखें प्रॉफिट के अग्रीमेंट तो अल्लाह प्रोफिट तो अभी कोई है ही नहीं ना अब तो सब चले गए उनकी अग्रीमेंट सब हो गई अब उसके बाद की बात हो रही है जो हमारे उलमा है जो उनके है और गलत फतवे देना और जो हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर हम क्या सीख रहे हैं कुरान से हम कुरान से ये नहीं सीख रहे हैं कि हमें किसी के कि साथ एग्रीमेंट है उसको पूरा करो सो आई एम सॉरी आप दूसरे स्कूल को फॉलो करती होंगी इट्स ओके मेरे नज़दीक और इनमें से किसी को भी क्लास में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ या जो आप कह रहे हैं एक सही और एक गलत है अपनी अपनी थिंकिंग है और अपनी अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग है मेरे टीचर्स ने कहा है कि अगर पाँच मिनट भी लेट हो तो आप हमेशा टेक्स्ट कर दें और दैट इज़ वॉट वी डू आप खुद भी करती हैं आप खुद भी अगर मेरे घर आ रही होती है तो आप मुझे कह देती मैं इतने बजे निकलूंगी मैं लेट हो गई सॉरी मैं इतने बजे आऊंगी और ये मेरा टाइम है पहुंचने का ये हमारे इसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रांसग्रेस कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं हम फासन में से हैं इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हमसे आखिरत में बात नहीं करेगा ये सब नहीं आएंगे उस पर अप्लाई नहीं होंगे लेकिन हमें इसका सबक क्या मिल रहा है कि हमने अपनी अग्रीमेंट्स को पूरा करना है डोंट टेक इट लाइटली अपने अहद को अपने पैमान को अपनी अग्रीमेंट्स को लाइटली मत करो और इसलिए बहुत क्लियर सुरह मायदा स्टार्ट कैसे होती है सूर्य मायदा जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही होगा कि अपने उकूद को निभाओ अपने उकूद को पूरा करो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ मैंने आपसे इतने बजे मिलना है डोंट टेक इट लाइटली आई वॉन्ट टेक इट लाइटली अगर आपके नजदीकी ठीक है, है कोई बात नहीं हमारी अपनी अपनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होंगी ना साहबा के भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हम तो किसी काबिल नहीं है उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं है तो कोई बात नहीं तो 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 अभी आपने एक बात एंड में की ना इसी उसमें उसको लेवल को हम उसपे उसपे ही रखेंगे जिस वो लेवल पे है क्योंकि ये बात क्लियर हो गई ना गए हाँ, क्योंकि अगर हम इंसानों को हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे ना तो वो फिर थोड़ी दिन में मुझे लगते डाउट के बाद भी नहीं लॉरिंग फिर दूसरी तरफ चली गई डाउट नहीं है हमारे पास अब हैं है। है। तो... तो है ना आई कैन बी कमिटेड यू कैन बी कमिटेड लेकिन तो तो रो, 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 तो क्यों के ऊपर बात आएगी और उनको हम कहेंगे की ये चीज उस लेवल पे चली जाती है जो नबियों की के बारे। तो देट पीपल विल डेफिनेटली मैंने देखा क्योंकि लोग है वो थोड़ा सा उस चीज में सख्ती महसूस करते हैं तो वी शूड

मुझे नहीं लगता एंड लेट्स फिनिश दिस ना लोग पता नहीं तंग हो रहे हैं क्या हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग में जा रही है तो इसको आप मेरे साथ बाद में डिस्कस कर ले अगर आपको मेरे साथ है तो जिस तरह हम करते रहते हैं फोन पे आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलती हैं हमेशा हम लोगों की डिस्कशन चलती रहती है लेकिन लेट्स फिनिश इट हियर आपका अपना भी है मेरा अपना भी है इन लोगों का अपना भी है वी कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन एनी वी जस्ट हैव टू कन्वे द मैसेज

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته